हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मनीष की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने इस मामले की एडिशनल चीफ, होम सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया है। 24 परगना जिले के बीजेपी नेता और टीटागढ़ से पूर्व काउंसलर मनीष शुक्ला की रविवार शाम उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो पार्टी ऑफिस जा रहे थे। हैरानी की बात ये कि मनीष को टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास ही शाम के वक्त गोली मार दी गई। घायल मनीष को अपोलो अस्पताल ले जाया गया जहां 9:20 पर उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना हुआ हमारे नेता मनीष शुक्ला जी इसे एक कदम आगे वहां पे अपने कर्मियों के साथ बैठे हुए थे, सब कोई को लेके। उसके थोड़े देर पहले यहाँ का एक क्रिमिनल है खुर्रम खान मंडल, इलोक का राजू खान, प्रशांतो चौधरी का सब संग में रहता है, ठीक है, सब टीएमसी का क्रिमिनल है। ये लोग थोड़ा देर पहले एक मिचिल लेकर निकलता है, उसके बाद चार बाइक में क्रिमिनल आते हैं, अंधाधुन गोली चलाते हैं, वो भी एकदम थाना के सामने। ये रहा टीटागढ़ थाना, ये रहा टीटागढ़ थाना का सीसीटीवी, सब है। अब इन लोगों से हम लोग फुटेज मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बीजेपी नेता की हत्या की खबर मिलते ही सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्ला की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों के हाथों इस तरह की हत्याएं अब आम हो गई हैं। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, उससे टीएमसी को हटाना जरूरी हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मनीष शुक्ला की हत्या को टीएमसी की खूनी राजनीति का हिस्सा बताया है। बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता निशाने पर हैं। आरोप टीएमसी पर ही लग रहा है, हालांकि टीएमसी इससे इनकार करती रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्ला की हत्या पर बैरकपुर में 12 घंटे का बंद बुलाया है। जाहिर तौर पर मामला ऐसा है जिससे बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्या कहा सुनिए। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जाँच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी नेता की हत्या हुई उसके बाद मामला वहां गर्मा गया, लेकिन यही पहला वाक्या नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं जिससे आप समझ सकें कि क्यों पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं जिस पर राजनीति भी गर्माई हुई है। ममता राज में 80 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। 29 जुलाई 2020 पूर्वी मिदनापुर में पूर्णचंद्र दास की हत्या हुई, ये हम आपको 2020 के केसेस बता रहे हैं। 15 जुलाई 2020 में नादिया जिले में बापी घोष की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्माई और आरोप लगे टीएमसी पर। 13 जुलाई 2020 हेमताबाद जिले में देवेंद्रनाथ रे की हत्या की गई, जिसके बाद मामला एक बार फिर से गरमाया। 2020 के केसेस हम आपके सामने रख रहे हैं। 7 अप्रैल 2020 कुलताली में शकुंतला हल्दर चंद्र हल्दर की हत्या का मामला सामने आया, और 6 फरवरी 2020 24 परगना में नारायण विश्वास की हत्या का मामला जो है वो सामने आया। और ममता राज में अब तक 80 बीजेपी नेताओं की हत्या की बात सामने आ चुकी है। लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो निशाने पर हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं, इसलिए ये जो राजनीतिक द्वंद्व है ये और तेज हो रहा है।